राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तनाव से मुक्ति कैसे पाते थे या छुट्टी का दिन कैसे प्राप्त करते थे, इसके बारे में लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी, गांधी जी की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि 1942 में जब लुई फिशर उनसे मिले तो गांधी जी पूरे 52 सप्ताह के हर सोमवार को मौन रखते थे। मुलाकाती आते तो उनकी बात सुनते, बहुत ज़रूरी होने पर कागज के टुकड़े पर पेंसिल से लिख करके अपनी बात कह देते थे। लुई फिशर ने गांधी जी से इसका कारण पूछा तो गांधी जी ने बताया कि अत्यधिक सफर के कारण, लोगों से मिलने जुलने के कारण, सभाओं के कारण थक जाता था। उस थकान के कारण मैंने, गांधी जी ने सोमवार का मौन रखना प्रारंभ किया, इससे उन्हें एक छुट्टी मिल गई। लेकिन इस छुट्टी के दिन भी वे उसका उपयोग करते थे, सोए नहीं रहते थे। इस दिन वे कुछ न कुछ काम जो उनका रह जाता था, लंबित पड़ा रहता था, वो करते थे। यह मौन व्रत मुझे इसलिए याद आया कि जब सुना कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद स्मारक पर जाकर 2 दिन का ध्यान लगाने वाले हैं, यह भी शायद उन्होंने तो गांधी जी से यह नहीं सीखा होगा, क्योंकि हाल ही में उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा कि गांधी जी को लोग दुनिया एक गांधी फिल्म जो 1982 बनी उसके बाद जानने लगे। लेकिन सच ये है कि महात्मा गांधी को दुनिया बहुत सालों से जानती आई है, इसके बारे में बहुत सारी सामग्री उपलब्ध हो चुकी है। खैर, हम बात करते हैं मौन की। मौन रखने से, सप्ताह में एक दिन मौन रखने से गांधी जी को या किसी भी व्यक्ति को यह लाभ होता है कि तनाव से मुक्ति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, गुस्से पर काबू रहता है। इस मौन के बारे में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर सिवान में एक शिलालेख भी लिखा हुआ, जहां लिखा है कि 17 जनवरी 1927 सोमवार को रात 8 बजे से मंगलवार 8 बजे तक महात्मा गांधी ने मौन रखा था।